हनी ट्रैप मामले में कुछ बड़े खुलासे कर रहे अखबार। संचा लोक स्वामी के कार्यालय को सील किए जाने के कमलनाथ सरकार के फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही है। माना जा रहा है सरकार से जुड़े कुछ बड़े लोगों के नामों का यह अखबार खुलासा करने वाला था, इसीलिए समाचार पत्र के मालिकान पर कई मामले दर्ज कर दिए गए। इंदौर प्रेस क्लब और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की है। हनी ट्रैप को लेकर उजागर हो रहे फुटेज के मामले में संझा लोक स्वामी समूह के कई प्रतिष्ठानों, ऑफिस व घर पर छापे मारने के साथ इंदौर के 4 थानों में 5 FIR दर्ज कर ली गई। इसमें मानव तस्करी, अवैध कारतूस, नौकर व कर्मचारियों की जानकारी छुपाने और IT एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने समूह के प्रमुख जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर पुलिस और अन्य विभागों की इस पूरी कार्रवाई को हनी ट्रैप कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हनी ट्रैप गैंग से जुड़े अधिकारी हरभजन सिंह ने शाम को संझा लोक स्वामी की शिकायत की और कई विभागों ने कुछ ही देर में इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। जो आदमी खुद इस पूरे कांड में संदिग्ध है, उसकी शिकायत पर सरकार का यह एक्शन बताता है दाल में कुछ काला है। लोक स्वामी और उसके मालिकों के अन्य संस्थानों के दफ्तर पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने एक साथ छापा मारा था। SSP रुचिवर्धन मिश्र ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। संबंधित की तलाश की श्रेणी में ही के कार्यालय में भी सर्च की गई, जहां से इसमें विधिवत सर्च वारंट लेकर के सर्च की कार्रवाई की गई थी। इसमें कुछ वहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां से जब्त हुई हैं, जो कि प्रकरण से संबंधित होने की संभावना है, और इसी के साथ वहां पर कुछ सेफ वहाँ पर पाए गए, जिसको सील बंद किया गया है और विधिवत पंचनामा बना करके उसको एग्जामिन किया जाएगा। फिलहाल इसमें पूछताछ के लिए जो अमित सोनी नाम का जो आरोपी है उसको लाया गया था और उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में नजर आ रही है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि लोक स्वामी अखबार ऐसा क्या खुलासा करने वाला था जिससे सरकार इस कदर भयभीत थी कि उसको कुछ ही घंटों में इस कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा। इंदौर प्रेस क्लब ने भी इस मसले पर सरकार को खरी खरी सुनाई है और लोकस्वामी अखबार पर की सरकारी तालाबंदी की कड़ी आलोचना की है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए और कहा कि हमें जानकारी है कि इस मामले में सरकार के कुछ बड़े अफसरों और मंत्रियों के नाम आना थे। सुना तो हमने भी है कि इसमें बहुत सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं, और कमलनाथ जी उन सब अधिकारियों जिनके की वीडियो है उनसे कहीं ना कहीं दबाव में लेकर उनसे काम करवा रहे हैं, इसी हमें सूचना है। हनी ट्रैप मामला अब कमलनाथ सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इस मामले की जांच के साथ ये तथ्य सामने आए कि हनी ट्रैप में शामिल महिलाओं ने अपने हुस्न जाल में फंसाकर 90 से ज्यादा बड़े लोगों के वीडियो बनाए और उनके राज उगलवाकर उनसे रकम और ठेके हासिल किए। इस मसले पर सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को आपातकाल वाली सरकार की संज्ञा दी जा रही है, जिसने पहले भी मीडिया का गला घोटने का काम किया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।